द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तां और उनका इतिहास एक पूरी फिल्म में जो उड़ेल दिया है और देश हित में फिल्म को टैक्स फ्री भी करवाया है। वाकई देश प्रेम हो तो विवेक अग्निहोत्री जैसा हो, मगर ये क्या, विवेक ने ट्वीट करके ये क्या कह दिया जिससे उनकी देशभक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं और विवेक अपने ही किए ट्वीट से एक्सपोज हो गए हैं और उनकी देशभक्ति सवालों के घेरे में है। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा अंबेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। सबसे पहले बात आती है कि फिल्म को देश हित में मोदी, योगी और बीजेपी की पूरी टीम द्वारा टैक्स फ्री किया गया है। अब आपको ये भी बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स को कुछ राज्यों में टैक्स फ्री किया है और वो कुछ राज्य बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा शामिल है। सिर्फ यही राज्य टैक्स फ्री क्यों किए गए? जब फिल्म देश हित में है तो सभी राज्यों में इसे टैक्स फ्री करना चाहिए था, क्योंकि भारत तो हर दिल में बसता है और भारत का इतिहास तो दिल को चीर कर हर किसी की रगों में भरा होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये फिल्म सभी राज्यों में टैक्स फ्री होनी चाहिए। सारे भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों टैक्स फ्री है? अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जिनके लिए ये फिल्म बनाई गई थी और जिन्हें ये फिल्म दिखाकर असली मैसेज देना था, वो मैसेज उन लोगों तक पहुँच गया है, क्योंकि फिल्म ही उन लोगों के लिए बनाई है जो भक्ति रखते हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, देशभक्ति नहीं, एक पार्टी भक्ति जो एक समुदाय को ही टारगेट करती है। अब विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीरी फाइल्स को फ्री में दिखाए जाने को लेकर ट्वीट किया है। विवेक ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें हरियाणा के रेवाड़ी के अध्यक्ष केशव चौधरी बिट्टू, युवा नेता मुकेश यादव कापड़ीवास और पूर्व विधायक रामधीर सिंह कापड़ीवास मिलकर फिल्म द कश्मीर फाइल को बड़ी स्क्रीन पर फ्री में दिखाए जाने की बात कर रहे हैं। पोस्टर में जगह और समय बताकर दर्शकों को आमंत्रित भी किया गया है, मगर इस पर विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट देखिए, वो क्या कह रहे हैं। वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि चेतावनी, द कश्मीर फाइल्स को खुले और खुले में इस तरह दिखाना एक आपराधिक अपराध है। प्रिय एमएलए खट्टर जी, मैं आपसे इसे रोकने का अनुरोध करता हूँ। राजनीतिक नेताओं को रचनात्मक व्यवसाय और सच्चे राष्ट्रवाद का सम्मान करना चाहिए और समाज सेवा का मतलब कानूनी और शांति तरीके से टिकट खरीदना है। विवेक अग्निहोत्री का ये कैसा देश प्रेम है जो फिल्म फ्री दिखाने पर भाजपा नेता पर ही भड़क उठे? देश हित और राष्ट्रीय हित विचारधारा रखने वाले विवेक, जो मीडिया को आए दिन अपने ही इंटरव्यू में कह रहे थे, मैंने कश्मीरी पंडितों का दुख महसूस किया है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैंने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ देश हित में बनाई है, मैंने पैसों के लिए ये फिल्म नहीं बनाई, असली मकसद लोगों को कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता दिखाना था, मगर विवेक का ये मकसद फुर होता दिखाई पड़ रहा है। अब लग रहा है इस इतिहास बयां करने वाली फिल्म, जो कि इतिहास के मायनों में खरी भी नहीं उतरती है, उसे बनाने के पीछे उनका मकसद ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना था। नहीं तो देश हित का काम तो भाजपा के नेता भी कर रहे हैं फ्री में फिल्म दिखाकर, मगर बात यह है कि विवेक को इस पर आपत्ति क्यों हुई, जबकि फिल्म ही उन्होंने देश हित में बनाई है, तो फिल्म फ्री दिखाने पर उन्हें खुश होना चाहिए था। मगर ये क्या, यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। विवेक अग्निहोत्री, दर्शन कुमार से लेकर अनुपम खेर तक के एक बाद एक ट्वीट आते हैं, 100 करोड़ की होली मुबारक। इसका मतलब कोई राष्ट्रीय हित नहीं, कोई कश्मीरी पंडित का दुख नहीं। विवेक और अनुपम खेर खोखे पर खोखे बटोरने में लगे हैं और अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। सिर्फ ये बिजनेस के लिए ही बनाई गई थी फिल्म। इस सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ फिल्म को फ्री में दिखाना चाहिए,
क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में बनी है। और तो और मैं तो ये भी कहती हूँ, द कश्मीर फाइल को जगह जगह चौराहों पर सभी पार्कों में प्रोजेक्टर के थ्रू लगाकर मूवी को दिखाना चाहिए, ताकि इस फिल्म को वो गरीब मजदूर तबका भी देख सके जो पैसे खर्च करके सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म नहीं देख सकता। फिल्म जितने लागत में नहीं बनी थी उससे ज़्यादा वो कमाई कर चुकी है और आगे भी कर रही है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होने के दावे कर रहे थे और उनके दुख और संहार को महसूस कर रहे थे, वो सब नौटंकी थी और दिखावा था। जी हाँ, राष्ट्रवादी तो बहाना था, असली मकसद तो पैसा कमाना था। अब जो लोग इस फिल्म को देखकर भावुक हो चुके हैं या हो चुके थे, वो लोग शायद अब विवेक को माफ़ नहीं करेंगे, और करें भी क्यों, देश हित में बनाई गई थी ये फिल्म और लोगों की कई भावनाएं जुड़ी हुई थी इस फिल्म से, इसलिए उन लोगों की आत्माओं को बहुत ठेस पहुंची होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। अब आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की। द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते के चौथे दिन करीब 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म ने 11 दिन में अब तक करीब 180 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। ट्रेड एनालिस्टों के मुताबिक यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। इतना ही नहीं, पहले दिन फिल्म को पूरे देश में महज 600 स्क्रीन ही मिली थी, लेकिन बाद में फिल्म के लिए दर्शकों के जुनून को देखते हुए पहले हफ्ते में स्क्रीन संख्या 600 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई थी। अब बताया जा रहा है कि दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही फिल्म के लिए स्क्रीन संख्या 4000 कर दी गई है। अब बात आती है कि फिल्म से हुई कमाई का पैसा क्या कश्मीरी पंडितों के हित में नहीं लगाया जाना चाहिए, जबकि फिल्म देश हित में बनी है। देश हित के हिसाब से विवेक अग्निहोत्री को द कश्मीर फाइल्स की कमाई कश्मीरी पंडितों के कल्याण में लगा देनी चाहिए। जी हाँ, ये मैं नहीं, करणी सेना की डिमांड है। उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स की कमाई का 50% हिस्सा डोनेट करें। इसमें कुछ गलत भी नहीं कहा है। जब राष्ट्रीय हित में बनी है फिल्म, तो फिल्म का 100% पैसा कश्मीरी पंडितों के कल्याण में लगा देना चाहिए। ये भी तो देश हित और राष्ट्रीय हित की बात है, क्योंकि फिल्म का मकसद भी तो कमाई नहीं था, इतिहास दिखाना मकसद था। जब निर्माता, दर्शक, नेता वो फिल्म को देश हित में बता रहे हैं, तो फिल्म से कमाया गया एक एक रुपया कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए खर्च कर देना चाहिए। देश की जनता ने देश प्रेम में विवेक अग्निहोत्री को 180 करोड़ कमा कर दे दिए। अब देश प्रेम निर्माता के दिखाने की बारी है। शुक्रिया।